हेलो दोस्तों, आज वीडियो में जानने वाले हैं अपने एयर कंडीशनर के बारे में। अगर हमारा एसी सही तरीके से वर्क कर रहा है तो उसमें गैस का प्रेशर कितना लेवल तक रहेगा। अगर गैस इसमें सक्शन कम है तो क्या प्रॉब्लम होगा, डिस्चार्ज ज़्यादा बहुत हाई है तो क्या प्रॉब्लम होगा, डिस्चार्ज कम है तो क्या प्रॉब्लम होगा, यानी इस तरह से छोटे छोटे बहुत सारे प्रॉब्लम एसी में होते हैं। तो इस सबका फॉल्ट के बारे में जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे कौन सी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए और क्या खराब हो सकता रहेगा। अगर आपको मालूम है तो वीडियो नए टेक्नीशियन नए लोग पास शेयर करें, आप भी नए लोग का हेल्प जरूर करें। तो एयर कंडीशनर बेसिक हमारा जो वर्क करता है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिस्टम पर वर्क करता है। ये सब चीज़ें इलेक्ट्रिकल पावर सही तरीके से होना चाहिए, मैकेनिकल जो सिस्टम रहता है वो भी सही तरीके से वर्क करना चाहिए। उसी तरह से एक मेन इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है गैस का, रेफ्रिजरेंट का। अगर गैस का प्रेशर अगर अब सही है, इक्वल है, तभी भी एसी कूलिंग करेगा, तो इसका भी एक महत्वपूर्ण रोल रहता है एसी में। सिस्टम में जैसा कि हम लोग जानते हैं, आपका डिस्चार्ज प्रेशर साइड कंप्रेसर का काम रहता है, एक साइड लो प्रेशर रखता है और एक साइड हाई प्रेशर रखता है। अगर हाई प्रेशर है तो टाइम में क्या होगा, लो प्रेशर है तो टाइम में क्या होगा। अगर सिस्टम में नॉर्मली आपका सक्शन प्रेशर लो है और डिस्चार्ज प्रेशर ये भी लो है, सक्शन और डिस्चार्ज दो के दोनों अगर लो है, वो टाइम में क्या हो सकता रहेगा, आपका गैस कम हो सकता रहेगा, कहीं से लीक हो सकता रहेगा, जिससे आपका एसी में गैस कम हो रहा है, लो शो कर रहा है। उसके बाद आ जाता है आपका, अगर लो प्रेशर जो है लो है और हाई प्रेशर हाई है, बहुत ज्यादा डिस्चार्ज प्रेशर जो है बहुत ज्यादा हाई है और सक्शन प्रेशर लो है कम है, वो टाइम में क्या हो सकता रहेगा, ये आपका एसी में ब्लॉकेज हो सकता रहेगा। अगर कभी भी आपका सक्शन प्रेशर लो है और डिस्चार्ज प्रेशर हाई है तो टाइम में क्या हो सकता रहेगा, सिस्टम में ब्लॉकेज हो सकता रहेगा। अगर सेंट्रल एसी है जिसके अंदर एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है, ओरिफिस लगा हुआ है, कैपिलरी ट्यूब है, ये सब कहीं ना कहीं ब्लॉकेज रहेगा। ब्लॉकेज होने की वजह से क्या होता है, आपका सक्शन प्रेशर लो होता है और डिस्चार्ज हाई हो जाता है, वो टाइम इसे फ्लशिंग करेंगे, रिपेयर करेंगे। उसके बाद आता है आपका लो प्रेशर जो है, यानी सक्शन जो है हाई है और हाई प्रेशर जो रहता है डिस्चार्ज प्रेशर लो है, वो टाइम में क्या होगा, ये आपका सिस्टम में कंप्रेसर का प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, या फिर सही तरीके सर्विस करना चाहिए। सर्विस करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, नहीं तो इसके अंदर आपका कंप्रेसर का पंपिंग फेलियर है। कंप्रेसर का पंपिंग फेलियर होने में क्या होगा, ये आपका सक्शन प्रेशर हाई हो जाएगा और डिस्चार्ज कम हो जाएगा नॉर्मल के अपेक्षा में, या फिर दोनों इक्वल हो जाता है, सक्शन और डिस्चार्ज दोनों इक्वल हो जाता है, ये कंप्रेसर बाईपास होने लगता है। अगर कोई कंडीशन में सक्शन और डिस्चार्ज दो के दोनों हाई शो कर रहा है, बहुत ज्यादा है, तो टाइम में क्या हो सकता रहेगा, आप समझ सकते रहेंगे, सिस्टम में गैस ज्यादा है, सिस्टम में गैस ज्यादा हो सकता रहेगा, या फिर सर्विस का प्रॉब्लम होता है, कंडेंसर कॉइल जो है गंदा हो सकता रहेगा, एम्बियंट टेम्परेचर ज्यादा हो सकता रहेगा, या फिर नॉर्मल इसे क्या करेंगे, सर्विस करेंगे, सर्विस करेंगे या फिर गैस चेक करेंगे, गैस ज्यादा है तो इसे कम करेंगे, जिससे सब चीज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसी में इस तरह से अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम होते रहते हैं। अगर हम इसे सही तरीके से मेंटेन करके चलेंगे तो हमारा एसी कूलिंग सही तरीके से करेगा, और ये सब चीज़ें इक्वल नॉर्मल नहीं रहेगा तो एसी में प्रॉब्लम होते रहेगा। तो और भी इस तरह से बहुत से हमारे प्रैक्टिकली वीडियो है, जानने के लिए जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब करें, ये वीडियो का फीडबैक दीजिए, कुछ जानकारी मिला या नहीं मिला ये और भी लोग पास शेयर करें और लोग जान सके, देख सके, सीख सके। तो आज आपका दिन शुभ हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।